कई बार इतिहास के कुछ रहस्य किताबों और खोज की दुनिया से निकलकर हमारी दुनिया में आ खड़े होते हैं। ऐसा ही एक अनसुलझा रहस्य है मिस्र की उस ममी का, जिसकी तलाश 100 बरस से हो रही है। वो लापता ममी उस खूबसूरत महारानी नेफर्तिती की है, जिसकी मूर्ति 1912 में जर्मन पुरातत्वविदों को मिली थी। इसके 10 साल बाद प्राचीन मिस्र के सबसे चर्चित सम्राट फराओ तूतनखामेन के मकबरे में उसकी ममी को खोजा गया, और अब 100 साल बाद तूतनखामेन और नेफर्तिती के रिश्ते को साफ कर देने वाली सबसे बड़ी खोज ने बेनकाब कर दिया है ममी का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी में। एरिजोना यूनिवर्सिटी के ब्रिटिश पुरातत्वविद ने आधुनिक तकनीक की मदद से प्राचीन मिस्र की सबसे खूबसूरत महारानी नेफर्तिती की कब्र खोज निकालने का दावा किया है। नेफर्तिती की कब्र कहीं और नहीं बल्कि उसी मकबरे में है जहाँ 100 साल पहले तूतनखामेन की मम्मी मिली थी। नेफर्तिती बला की खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के किस्से प्राचीन मिस्र की कथाओं में आज भी मिलते हैं। उसकी मौत 1340 ईसा पूर्व में हुई थी। वो महान फराओ अखनातन की तमाम रानियों के बीच महारानी थी। इसके बावजूद आज तक नेफर्तिती का मकबरा नहीं तलाशा जा सका। इस रहस्य ने बरसों से इतिहासकारों को उलझा कर रखा है, लेकिन अब ये गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है और इस रहस्य का सिरा मिला है उस मकबरे में जिसे तूतनखामेन का मकबरा कहा जाता है। पिरामिडों के देश मिस्र में यूं तो प्राचीन सम्राटों के सैकड़ों मकबरे हैं, लेकिन इतिहासकारों और सैलानियों को जितनी दिलचस्पी तूतनखामेन के मकबरे में है, उतनी शायद मिस्र के किसी और फराओ में नहीं है। सन 1922 में ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता हावर्ड कार्टर ने फराओ तूतनखामेन के मकबरे में उसकी मम्मी को खोज निकाला था। प्राचीन मिस्र के लोग अपने राजाओं की मौत पर उनके शरीर को खास तरह के लेप से सुरक्षित कर दफना देते थे। साथ में उनके इस्तेमाल की चीज़ें और रक्षकों को भी दफना दिया जाता था। इसीलिए जब तूतनखामेन के मकबरे की खुदाई हुई तो वहाँ से सोने और हाथी दांत से बने आभूषणों का जखीरा मिला था। तूतनखामेन की मम्मी ने तावीज़ पहन रखा था और उसका चेहरा सोने से बने एक मास्क से ढका हुआ था। साल 2007 में इस मुखौटे के पीछे छुपा तूतनखामेन का चेहरा पहली बार दुनिया के सामने आया जब उसकी मम्मी को वैली ऑफ द किंग्स से बाहर निकालकर कांच के एक बॉक्स में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया। लेकिन रहस्यों से लिपटी इस सदियों पुरानी दास्तान का अब नया रहस्य भी सामने आ गया है। एरिजोना यूनिवर्सिटी के ब्रिटिश पुरातत्वविद डॉक्टर निकोलस रीव्स ने ये दावा तूतनखामेन के मकबरे की दीवारों की हाई रेजोल्यूशन फोटो के विश्लेषण के बाद किया है। इन तस्वीरों का अध्ययन करते हुए डॉक्टर रीव्स तब चौंक पड़े जब उन्हें मकबरे की दीवारों के प्लास्टर के पीछे एक छुपा हुआ दरवाज़ा नजर आया। इसके बाद रीव्स ने एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर अमारना रॉयल टॉम प्रोजेक्ट को सौंपी, जिसमें दावा किया गया कि तूतनखामेन के मकबरे के साथ ही नेफर्तिती का भी मकबरा है। डॉक्टर रीव्स ने बाकायदा सबूत के साथ कहा कि तूतनखामेन की कब्र के पास 2 गुप्त दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा प्राचीन गोदाम का है, कब्र के उत्तर दिशा का दूसरा दरवाज़ा नेफर्तिती की कब्र का है। ये कब्र उस मकबरे का हिस्सा है जिसे खास तौर से नेफर्तिती के लिए बनवाया गया था। यानी मुमकिन है कि तूतनखामेन के मकबरे के साथ ही नेफर्तिती का भी मकबरा हो। डॉक्टर रीव्स को इसके नेफर्तिती के मकबरे होने का पक्का यकीन इसलिए है क्योंकि प्राचीन मिस्र में प्रवेश द्वार के दाहिनी तरफ सम्राटों के बजाय महारानियों का मकबरा शामिल किया जाता था। ये खोज तूतनखामेन और महारानी नेफर्तिती के उस रिश्ते का भी रहस्य खोल सकती है जिसने बरसों से इतिहासकारों को उलझाए रखा है। तूतनखामेन और नेफर्तिती के बीच क्या रिश्ता था, इस पर इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि नेफर्तिती ही तूतनखामेन की माँ थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।